जी हेलो एंड वेलकम टू द न्यूरोनाटोमी सीरीज इसमें बेसिकली हम सारी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं आ, अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी एनाटोमिकल स्ट्रक्चर्स और फिजिकल अपीयरेंस कैसी है इसमें कितने लॉब्स हैं कितनी सल्कसेस हैं और कितनी गायरेसिस हैं तो वो पहले समझना जरूरी है एज कम्पेयर टू इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर याद रखिएगा इसके बेसिक लॉब जो हैं जो मेन है वो चार हैं फ्रंटल टेम्पोरल पेराइटल ऑक्सीपिटल विद रिस्पेक्ट टू द स्कल बोन उसके जो पार्ट्स होते हैं उसी तरह इसके लोब्स के नाम हैं अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे तो यहाँ पे वो एक हमारा ब्रेन का सेक्शन लिया गया है मतलब आपको ऐसे एक आदमी खड़ा हुआ उसका साइड से व्यू दिखाया गया है इसमें बेसिकली तो सामने की तरफ जो है वो फ्रंटल है और पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल है यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन होती है यहाँ पे फ्रंटल बोन होती है और ऊपर जो है वो पेराइटल है और साइडों पे जो मतलब हमारे कान के ऊपर वाला एरिया वहाँ पे टेम्पोरल है डेड साइड ठीक है जी जब इसको हमने कट किया और दरमियान से देखा ये दोनों हेमिसफेयर हैं एक हेमिसफेयर को मैंने हटाया तो ये वाला हमारे पास व्यू आया लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली लोब्स हम कैसे करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कर एक लोब है और देन दूसरा बेसिकली इसमें सल्किस आ जाती हैं सल्कि क्या सल्कि एक डिप्रेशन है ग्रोव है जो लोब्स को डिवाइड करती है याद रखिएगा और गैरस क्या है गायरस दो सल्कस के दरमियान एक फोल्ड है जो दो सल्कस यानी दो ग्रूप्स को अलग कर रहा होता है अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ जैसे ये है सपोज ये एक सल्कस है ये दो सल्कस इन दोनों के दरमियान गायरस है ठीक है तो सल्कस और गायरस का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि और ये सल्कस है जो डिवाइड कर रही है अच्छा एक सेंट्रल सल्कस आती है बेसिकली वो डिवाइड करती है फ्रंटल और ब्रैटल लॉब को इसी तरह एक लैटरल सल्कस आती है वो डिवाइड करती है आ, फ्रंटल और टेम्पोरल को इसी तरह इसकी तीन आगे मजीद ब्रांचेज हैं एक है एंटीरियर ये वाली है एंटीरियर ये वाली है हमारे पास जो है असेंडिंग और ये वाली जो पीछे को जा रही है ये हमने इसको कह देना है कि यह ब्रांच है इसकी हॉरीजेंटल ठीक है अब ये बात हमारे पास हो गई अब याद रखिएगा जो सेंट्रल सल्कस है इसका काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता इसने बहुत सारी चीज़ें और बनानी है लोब्स के हिसाब से वो हम बाद में डिस्कस करते हैं अच्छा इसी के अलावा यहां पर एक और होती है जिसे हम कहते हैं प्राइटोक्सीपिटल ठीक है जो ऑक्सीपिटल ऑसिपिटल सॉरी प्राइटल और ओसिपिटल दोनों को डिवाइड करती है ठीक है और एक होती है कैलराइन जो एस्पेक्ट पे होती है ये देखें जब मैंने एक सेक्शन निकाल दिया काट दिया तो ये देखें अब कैल्किराइन बेसिकली एक नामी यहाँ पे एक वो होता है लोब उसको और ऑक्सीपिटल को डिवाइड कर रही होती है एक होती है प्राइटो ऑक्सीपिटल नाम से ही जैसे कि प्राइटल और ऑक्सीपिटल लोब को ये डिफ्रेंशिएट कर रही है ये तब है जब मैंने काटा हेमिसफेयर को दिखाया और मीडियली मैं दिखा रहा हूँ आपको ठीक है ऐसे थे दो हेमिसफेयर मैंने एक को रिमूव किया और ये वाली साइड आपको दिखा रहा हूँ ठीक है जी अब हम पर लोब के हिसाब से डिस्कस करते हैं जी तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बुक पे जो है वो दे ही चुका हूँ लेकिन थोड़ा सा एक आपको इजी वे में बता देता हूँ हमारे पास ये वाली जो है ये वाली पास हमारे पास है सेंट्रल सल्कस ये पूरा सेंट्रसल्कसपुर मैंने ब्रेन का सरिगुलर हेमस्फेयर ड्रा किया हुआ है ये आपके पास सरिगुलर जो है सेंट्रल सल्कस है अब इससे आगे वाला आपको जैसे सके पता था फ्रंटल है और पीछे वाला जो है पैराइटल है इस अब इसके आगे जस्ट जो एक सल्कस बनेगी जो, जो, जो डॉटेड है ये होगी प्री सेंट्रल सल्कस और पीछे वाली होगी पोस्ट सेंट्रल सल्कस याद रह जाएगी ये बात ओके ये वाली आपको पता था लेटरल है लेटरल की ये कौन सी ब्रांच थी Uh, मतलब कि जो सल्कस जा रही थी ये एंटीरियर थी ये लेटरल है वैसे और ये असेंडिंग थी ठीक है और ये वाली जो है पीछे को जा रही थी ये हॉरीजेंटल है हॉरीजेंटल डायरेक्शन में इसलिए इसको बोला गया हॉरीजेंटल ये है पेराइटो ऑक्सीपिटल पेराइटो या ऑक्सीपिटो पराइट या ऑक्सीपिटल सल्कस ये बात समझ में आ गई अब जो सेंट्रल ने इसके इसने बेसिकली जो है वो फ्रंटल को और पेराइटल को डिवाइड किया लैटरल ने टेम्पोरल को और इन दोनों को डिवाइड किया इसी तरह जो प्राइटोक्सीपिटल है प्राइटल को और ऑक्सीपिटल को डिवाइड किया डैट सेट ठीक है जी अब हम पर लोब्यूल के हिसाब से देखते हैं कि पर लोब्यूल में कौन कौन सेल और कैरेसिस आते हैं